दर्शकों, ये कहा जाता है ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वव्याप्त है, और अगर हम परमेश्वर का ध्यान करें तो हमारी सभी चिंताओं को ईश्वर दूर कर देगा, सभी दुखों को दूर कर देगा और अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेगा। लेकिन परमेश्वर का ध्यान कैसे करें, चिंतन कैसे करें? श्री कृष्ण ने चिंतन हेतु परमेश्वर के विस्तार का वर्णन किया है। विशेष महत्व रखने वाली ये विभूतियां क्या है, ये श्रीमद् भगवद गीता के दसम अध्याय के इन श्लोकों में बताया गया है। समझते हैं कि विशेष गुणों से युक्त इन महत्वपूर्ण अस्तित्व को कैसे समझा जाए और कैसे हम भगवान के दर्शन विभिन्न स्वरूपों में करें। हम विभूतियों की बात कर रहे थे कि भगवान जी ने कहा कि हमारी विभूतियाँ क्या हैं, तो उसके लिए अब भगवान ने शुरू किया बताना। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यंश भूतानामन्तैव च। अहम आत्मा गुडाकेश है, गुडाकेश मीन्स जो नींद को जीतने अर्जुन के लिए बोला है कि हे निद्राजीत अर्जुन, मैं आत्मा हूँ, सर्वभूताशय स्थिता, सर्व प्राणी सबके प्राणियों के अंदर निवास करता हूँ। अहम आदिश्य, आदिश्य मध्यंच, मैं आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, भूतानाम अंते बचे और किसी भी प्राणी भूत का अंत भी मैं हूँ, आदि मध्य अंत सब कुछ मैं ही हूँ। अब चूँकि उन्होंने वो बेटा पूछा है कि हमें किसके सोच के याद करें, है तो सब कुछ आप, लेकिन आप तब उन्होंने बताया आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मर्तामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्य आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। आदित्य क्या है ये गीता में इतना डिटेल नहीं आया। आदित्य का मतलब है अदिति के जितने पुत्र हैं, 12 पुत्र थे तो 12 आदित्य के नाम, 12 पुत्र थे। हाँ, और वैसे आदित्य को भी 12, सूर्य को भी 12 के नाम से, इनके देव देव हैं जो, हाँ, आदित्य कश्यप, कश्यप आदित्य महातप तीना, इनको मैं पूरब भर दी। हाँ, वामन भी इनके ही पुत्र थे, वाह, आदित्य के पुत्र थे। हाँ, सूर्य भी आदित्य के पुत्र, श्री आदित्य कहलाते हैं, आदित्य के पुत्र थे। तो कह रहे आदित्यानाम अहम विष्णु, मैं विष्णु जिसने वामन अवतार लिया था, तो उन आदित्यों में विष्णु मैं हूँ। ज्योतिषाम रविरंशुमान, और ज्योतिधारियों में जो जिसके पास ज्योति है वो किरणों वाला, अंशुमान माने किरणों वाला, वाला सूर्य का ही नाम है, वो मैं रवि हूँ। मरीचिर मरुतामस्मि, मरुतों में 49 मरुत कहलाते हैं, 49 मरुत हैं, और ये मरुत जो हैं ये दिति के पुत्र थे, और इनका भी जन्म बताते हैं कि दिति ने कश्यप से प्रार्थना की कि मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो इंद्र से भी वीर हो। तो ये मरुत, और मरुत को गर्भ में धारण करते किए रही बहुत दिन तक, साल से ऊपर, तब फिर इंद्र ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वहाँ निकाले, तो 49 मरुत कहलाते हैं। 49 मरुत में मैं मरीचि नाम का मरुत हूँ। अगर आपने 49, अगर आपने सुंदरकांड में ध्यान होगा, जब रावण लंका, हनुमान लंका जला के आए रावण की, तो उस समय कहा गया चली हूँ मरीति उमरीति 49 49 तरह की हवाएं चलने लगी थी। तो उनके मरीचिर मरता मसी, मर्तों में मैं मरीच हूँ। नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं शशि हूँ, चंद्रमा हूँ। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम वेदानाम साम वेदोस्मि, देवानाम अस्मि वासवा। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। उसी के वेद 4 कहे गए हैं, और वेदों में मैं साम वेद हूँ,
और देवा नाम अस्मि वासवा, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। हमने कहा तो आप बताइए, सब में ही है। देखिए बताया कि हम प्रधान प्रधान जो बता देते हैं जिसमें कोई खासियत है, तो उसने देखा एक्चुअली सामवेद को उन्होंने क्यों बताया, क्योंकि सामवेद में संगीत है और उसमें संगीत की लय में भगवान की प्रार्थनाएं ज़्यादा हैं। ऋग्वेद में सभी देवताओं का है और इसमें संगीत ज़्यादा है सामवेद, तो लोग जो अच्छा लगे, लोगों को प्रिय लगे। एक्चुअली उन्होंने बताया जो लोगों को प्रिय लगे, उन प्रियों में जैसे कि आपको फर्न जो है मेरी विभूति का याद करके मेरा नाम याद आ जाए, कि उन्होंने पूछा मैं सब में हूँ तो फिर मुझे बता दो जिससे मैं आपका चिंतन कर सकूँ, तो फिर इन्होंने वही बताया जो तुम्हें देख के प्रिय लगे। तो लोग ऋग्वेद वाले रूखा रूखा लगेगा, यजुर्वेद रूखा लगेगा, सामवेद में संगीत है, संगीत सुनने में लोगों को अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से सब देवताओं की बात करो तो इंद्र जो है राजा बने सबसे सुंदर से लगते हैं, तो वो बताया जिनकी तुम याद करके इनका सीधा हमारा नाम याद आ जाए, ऐसे दिया। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन में हूँ, कि तुम्हारी कोई इंद्रियां काम नहीं करेंगी अगर तुम्हारा मन न हो। मान लो तुम आंखों से कुछ भी देख रहे हो, कान से कुछ भी सुन रहे हो, अगर तुम्हारा मन उस उधर नहीं लगा है तो वो सब इंद्रियां बेकार। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्ति चेतना, और प्राणियों में क्या है चेतना, जबकि आपके कॉन्शसनेस, अगर आपने कॉन्शसनेस नहीं है चेतन शक्ति गायब हो जाए तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बताया कि क्या चीज़ को, जब अर्जुन ने पूछा ही है कोई प्रश्न ही है, तो उस समय प्रश्न ही यही है कि किस चीज़ को सोच के मैं तुम्हें याद करूं, कि हम ऐसे तो हर चीज़ में तो व्याप्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने वो चीज़ बताई जो इम्पोर्टेंट है, प्रमुख चीज़ें हैं जिसको देख के आपके दिमाग में फ़ौरन नाम चाहिए। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, 11 रुद्र बताए गए हैं, रुद्र 11 होते हैं, तो उसमें शंकर मैं हूँ, वो शंकर भगवान का लोग याद। दिक्तेशो यक्ष रक्षसाम, जो कोषाध्यक्ष हैं, जो मतलब जो पैसा कंट्रोल करते हैं, इनमें अगर तुम्हें याद आए तो यक्ष रक्षसाम, तो यक्षों और रक्षों में मैं कुबेर हूँ, दिक्तेशो हूँ, कुबेर हूँ, जो यक्ष और रक्षों में मैं कुबेर हूँ। वसूनाम पावकश्चास्मि, 8 वसु बताए गए हैं, तो वसुओं में मैं पावक मतलब अग्नि हूँ। मेरु शिखरणाम, जो जितने पर्वत हैं उन सब में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने जो चीज़ें बेस्ट हैं तो मैं आपको उसका डिटेल बता। महर्षि पुरोध सांच मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम हम स्कंदा सरसामस्ती सागर पुरोध सांच मुख्यम। अगर आपको ध्यान करना हो, पुरोहितों का ध्यान आए, कोई पुरोहित आप घर में रखते हैं, पूजा कराते हैं, पुरोहित का ध्यान आए तो बृहस्पति मैं हूँ, हाँ देवताओं के गुरु। सेनानी नाम स्कंदा, अगर सेनापतियों का नाम ध्यान आए तो सेनापतियों में स्कंदा मैंने कार्तिकेय, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय कहलाते हैं, तो सेनानी नाम हम स्कंदा, सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ। सरसामस्मि सागर, और जलाशयों में अगर याद आए तो समुद्र में हूँ, और सबसे श्रेष्ठ वही है। एक्चुअली स्कंदा का ध्यान करके ध्यान आया, जब भी मंगल की वो की जाती है, किसी का मंगल अगर खराब हो तो सेना स्कंद की पूजा की जाती है, स्वामी कार्तिकेय। साउथ में इनकी पूजा बहुत ज़्यादा होती है, तो साउथ में खास तौर से अगर मंगल की, तो कहते हैं कि शंकर भगवान के 4 लोग हैं और भारत के 4 दिशाओं में उनका बैठा दिया, गणेश जी की पश्चिम में, शंकर भगवान की नॉर्थ में, दुर्गा जी की बंगाल में, है ना, स्वामी कार्तिकेय की दक्षिण में, है ना। तो पूरे चारों कोने जो है वो इंडियन कल्चर कुछ ऐसे बनाया है जिससे कि सारा कल्चर जो है ना पूरे हिंदुस्तान में छा जाए। दुर्गा जी का बंगाल में, दुर्गा बंगाली लोग दुर्गा जी की ज़्यादा पूजा करते हैं ना, तो हाँ नहीं वो वैष्णो देवी, लेकिन दुर्गा की लोग अलग, वैष्णो को कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते।
हाँ काली माँ वही दुर्गा काली मतलब पार्वती एक ही बात है, मतलब एक ही बात। दुर्गा जो है नौ देवियों में दुर्गा देवी आती है, वैष्णो देवी नहीं आती। अच्छा जो नौ देवियाँ हैं इनकी सब प्रथम देवी जो है दुर्गा ही आती है, प्रथम गौरी गौरी दुर्गा गौरी की माना है। और एक्चुअली जैसे अष्टमी की पूजा करते हैं वो दुर्गा की है, और नवमी को पूजा करते हैं वो सिद्धदात्री की है महालक्ष्मी की। तो इसलिए बहुत से लोग अष्टमी की पूजा फाइनल करते हैं, बहुत से लोग नवमी की करते हैं, बनिए लोग अधिकतर नवमी की करते हैं, क्योंकि जो नवमी सिद्धदात्री लक्ष्मी का क्या उससे सबसे सिद्धदात्री। नवमी वाले किसके करते पूजा? जो अधिकतर नवमी वाले जो अधिकतर जो पैसे को ज़्यादा या पैसे को महत्व देते हैं, बनिए लोग ज्यादातर नवमी बोला करो ना गुप्ता जी। हाँ इनको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी की फाइनल पूजा करते हैं तो फाइनल दिन जो है नवमी का करते हैं, अधिकतर लोग नवमी का करते हैं क्योंकि सबको लक्ष्मी चाहिए। पर आजकल उल्टा हो गया ना, वो हमारी मिसेस कहती है अष्टमी को ही कर लो, एक दिन और व्रत कम करना पड़ेगा। अष्टमी को दुर्गा का और पहला जो है बिजनेस वाले ज्यादा होते हैं, जो व्यापार करते हैं ना। हमारे यहाँ बनियों में ज़्यादातर लोग जो हैं बनियों में भी और कैश्तों में भी मेघाल से नवमी को ही करते हैं। हाँ नवमी हम तो नवमी को हाँ। अधिकतर लोग जो है जो लक्ष्मी उनके यहाँ चलती आई परंपरा को लक्ष्मी की पूजा को लक्ष्मी को सिद्ध पता नहीं था इसलिए हाँ ये बता रहा हूँ। जो पहला दिन होता है महागौरी का होता है, अष्टमी जो है दुर्गा का होता है, और नवमी जो है सिद्धदात्री का होता है, और सप्तमी जो है सरस्वती का होता है। सरस्वती के तो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, और ये तो शक्ति चाहिए या पावर चाहिए या फिर लक्ष्मी चाहिए। क्या गिर महर्षीणाम भृगुराम, महर्षियों में मैं भृगु हूँ, भृगु 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 का नाम सुना होगा, भृगु जिनके जिनके जामदग्नि जिन्हें भृगु संहिता लिखी है, और जिनके जामदग्नि जामदग्नि के परशुराम हुए थे भृगु ने, एक बाल गिरता है जिनका नहीं, भृगु ने जो है विष्णु भगवान को लात मारी थी। जब भृगु को बहुत बड़े महर्षि माने जाते थे तो उसने कहा देवताओं में सबसे बड़े कौन है, तो कहा था कि विष्णु भगवान है। कैसे कैसे सिद्ध किया, तो ये जो सब सब भगवानों देवताओं को जाके उन्होंने गालियाँ दी, सब उसके उन पर नाराज़ हो गए, इन्होंने जाके विष्णु भगवान के छाती पर लात मार दी, और इन्होंने पैर पकड़ लिए विष्णु भगवान ने। अरे भगवान जी हाँ हाँ जो भृगुमारी लाग है ना, क्षमा बण इनको चाहिए छोटे इनको उत्पात, का रहीम हरि को घटियो जो भृगुमारी लाग। तो भगवान ने उसे विष्णु भगवान के पैर, तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं लगी, मेरा सीना तो जो है बहुत पत्थर जैसा है। हाँ उन्हें तो लात मारी, उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए, तो कहने का देखो क्षमा बड़े इनको चाहिए, वही सबसे बड़ा है जो उन्हीं के वंशज थे। महर्षि राम भृगुमहम गिराम गिराम अस्मेक अक्षरम यज्ञानम, समझे? तो ये बोला यज्ञानम जप यज्ञोस्मी स्थावरणाम हिमालय। महर्षियों में मैं भृग हूँ, और गिरा गिरा मतलब होता है जैसे सरस्वती का नाम भी गिरा है, और गिरा मतलब होता है शब्द जो आप कहते जो मुँह से बोलते हो, वाणी वाणी बोल वाणी सरस्वती को भी कहते हैं। तो गिरा जो वाणियों में मैं एक अक्षर ओंकार हूँ, गिराम से तो ओंकार हूँ। यज्ञ नाम जप यज्ञों में, अगर सब यज्ञों का नाम लो दान यज्ञ यज्ञ द्रव्य यज्ञ सब, तो जप यज्ञ सबसे आसान, अपना तुलसी की माला भेज दो जप यज्ञ। हाँ यज्ञानाम जप यज्ञो स्थावरणाम हिमालय, अगर आप ये सोचो कि स्थिर कौन सबसे ज़्यादा है उसमें अगर लो तो हिमालय। अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदा गंधर्वाणाम चित्ररथा सिद्धानाम कपिलो मुनि। अगर वृक्षों में अश्वत्था, अश्वत्था मतलब जो जो नीचे से स्थित हो, तो उसने सर अश्वत्था मीन पीपल, पीपल एंड बरगद, अश्वत्था सर्व वृक्षां सभी वृक्षों में मैं
पीपल का वृक्ष हो या बरगद का, दोनों की पीपल की पूजा होती है ना, देवर्षि देवर्षि राम च नारदा। देवर्षियों में मैं नारद मुनि हूँ। गंधर्वाणाम चित्ररथा, और गंधर्वों का लो तो चित्ररथ में हूँ। सिद्धानाम कपिलोमणि, और सिद्धों में सिद्ध जो पुरुष सिद्ध पुरुष थे उन्हें बताया मैं कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि नाम सुना होगा, गंगा जी जिनकी वजह से आई, उन्हें सगर के हजार पुत्रों को भस्म कर दिया था, तो कपिल मुनि वो भगवान के अवतार ही कहे जाते हैं। उच्च श्रव शमस्वानम, सारे अश्वों में घोड़ों में मैं उच्च श्रव हूँ। माम अमृतो उद्भवम, मैं ही अमृत से उद्भव हुआ हूँ। जो अमृत जो है वो एक तरह से मुझे ही मानो। ऐरावतम गजेन्द्राणाम, और ऐरावत हाथी हूँ। नराणाम च नराधिपम, अगर कोई मनुष्य दिखाए तो जो राजा है वो मैं हूँ। तो मतलब आपको कि राजा के ध्यान आए तो आपको रिगार्ड देना है, उसे विभूति है वो भी, उसे पूरी तरह रिस्पेक्ट देना है। तो उसमें क्यों कि उसने तो समझो ये भगवान का वास है, ये सारी विभूतियाँ विभूतियाँ। आयुधानाम महम वज्रम, धेनु नामस्मि कामधो, प्रजनश्चास्मि कंदर्पा, सर्पाणामस्मि वाशुकी। अगर हथियारों का नाम ले आयुधा नाम, तो मैं वज्र हूँ। वज्र मतलब मिसाइल, वज्र जो मिसाइल से जो दूर फेंक कर मारे जाए। आयुधा नाम हम वज्रम, धेनु नामस्मि कामधु, अगर गायों का नाम ले तो कामधेन मैं हूँ, जो सबकी इच्छाएँ पूरी करती। प्रजनश्चास्मि कंदर्प, और इसी तरीके से जो संतानोत्पत्ति के लिए कामदेव मैं हूँ। सर्पाणामस्मि वासुकी, और सर्पों का नाम लें, सांपों का कई ध्यान आए तो वासुकी नाग मैं हूँ। वासुकी नाग से अमृत मंथन किया गया था। अब इन्हीं श्लोकों को गीता गीत के रूप में सुनते हैं। श्लोक 20 से 22 तक बताते हैं। अर्जुन मैं हूँ आत्मा स्थित, सभी प्राणियों के हृदय में। अर्जुन मैं हूँ आत्मा स्थित, सभी प्राणियों के हृदय में। तथा मैं ही सब भूतों के प्रारंभ में, मध्य में व लय में। अर्जुन मैं हूँ आत्मा स्थित, सभी प्राणियों के हृदय में। तथा मैं ही सब भूतों के प्रारंभ में, मध्य में और लय में। आदिति पुत्रों में मैं विष्णु, ज्योतिशीलों में रवि रश्मि युक्त। आदिति पुत्रों में मैं विष्णु, ज्योतिशीलों में रवि रश्मि युक्त। मरीचि सब पवनों में हूँ मैं, नक्षत्र गणों में चंद्र अद्भुत। वेदों में सामवेद हूँ मैं, देवों में हूँ इंद्र सुरेश। वेदों में सामवेद हूँ मैं, देवों में हूँ इंद्र सुरेश। इंद्रियों में मन चेतना, प्राणियों में मेरा वेश। ग्यारह रुद्रों में शंकर हूँ, राक्षस यक्षों में मैं कुबेर। ग्यारह रुद्रों में शंकर हूँ, राक्षस यक्षों में मैं कुबेर। सब वसुओं में अग्नि हूँ मैं, पर्वत श्रेणियों में सुमेर। ग्यारह रुद्रों में शंकर हूँ, राक्षस यक्षों में मैं कुबेर। सब वसुओं में अग्नि हूँ मैं, पर्वत श्रेणियों में सुमेर। पुरोहितों में मुख्य मुझे, जानो देवों के गुरु बृहस्पति। पुरोहितों में मुख्य मुझे, जानो देवों के गुरु बृहस्पति। जलाशयों में सागर सेना, नायकों में स्कंद सेनापति। महर्षियों में मैं भृगु,
महर्षियों में मैं हूँ भृगु, वाणियों में मैं ओम का स्वर। महर्षियों में मैं हूँ भृगु, वाणियों में मैं ओम का स्वर। यज्ञों में जप यज्ञ, स्थिर पदार्थों में हिमालय गिरवर। 26वें श्लोक का गीत है, पीपल हूँ सब वृक्षों में, नारद देवर्षियों में हूँ। पीपल हूँ सब वृक्षों में, नारद देवर्षियों में हूँ। गंधर्वों में चित्रत, कपिल सभी मुनियों में हूँ। उच्च स्रवा सभी यशों में, अमृत संग उद्भव जिसका। उच्च स्रवा सभी अश्वों में, अमृत संग उद्भव जिसका। ऐरावत सब गजराजों में, सब मरजों में इंद्रप उनका। अस्त्रों में मैं वज्र और कामधेनु, गायों के वंशों में। अस्त्रों में मैं वज्र और कामधेनु, गायों के वंशों में। प्रजनन हेतु मैं कामदेव, वासुकी सांपों के अंशों में। लॉर्ड कृष्णा टोल्ड दैट अहम आत्मा गुड़ाकेश, आई एम सोल। सो दिस इज द लर्निंग, इज द फर्स्ट लर्निंग दैट व्हेन सुप्रीम बीइंग द गॉड is in every soul, then we should have empathy with all, because every one is God. Whether it is individual human being, or it is animal or trees, anything, everything is God. When they are God, we are one, then we should have empathy with them. We should be sensitive enough to understand the emotions of others, what they feel in different circumstances. Accordingly, we should behave. The second learning is, it is because of God that we are able to see. So, if sun would not have been there, we could not see anything in the day. So what the sources of light is necessary to enable us to see, to observe the things. It means, he is saying, that sun is God. He is also saying moon is God, stars are God. So it means all the sources of light, they are God, supreme being. So we should remember the God whenever we see the source of light. Also, we are able to enjoy because of mind, because man is there. We are having all the organs to sense, or sense being enjoyed by the mind. So, man, he is saying that it is God. We should be energetic, because when everything is God, then why not we remember him just to see the sun, moon, mind, everything. Also, we are able to exploit the nature because of the knowledge. If we do not have the knowledge, we would have not been able to exploit this nature. And so knowledge is supreme being. Whatever knowledge is there, that is supreme being. And power to win, we are able to win
because of the power. So power is also God. So everything in nature is God, and knowledge is also God, because of knowledge we are able to see, we are able to win. Similarly, all these special features, whatever a special feature are available in the nature, whether it is mountain, river, trees, if there is some speciality, immediately it should remind us about the God. So in this way, we can see God through the world, through the different elements of the world. Whatever we see in the universe, it should remind us about the God, about the Supreme Being. Because so these are the vibhutiya, or we can remember God through vibhutiya. This is an extension or vistar of the Supreme Being. So we should remember God, we should surrender to the God by seeing the different features that we are able to see in the universe or feel in the universe. Thank you, viewer. If you like this video, please press the like button and subscribe it also, because that motivates us to make some more videos. Thank you.